لا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد، وآله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم أجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. अरबईन यानी चेहलुम की मुनासिबत से औरत के रोल और औरत के जिहाद की अहमियत पे गुफ्तगू की जा रही थी। आशूर वो मरहला है और करबला वो मैदान है। यहां तक मर्दों का जिहाद हमारे सामने आता है और 11 मुहर्रम से लेके अरबईन और कूफे और शाम के बाजारों से लेके दरबार यजीद, ये वो मरहला कि जहां पे खानदान अहले बैत की मुखद्दरात इस्मत और तहारत का जिहाद हमारे सामने आता, कि जिनके हाल का मरसिया भी पढ़ा जा रहा था। और अगरचे इस जिहाद के हवाले से बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू हैं, जिनमें से हर एक हर पहलू अपनी जगह एक पूरे पूरे अशरे की मजालिस चाहता है, लेकिन बहुत ही मुख्तसर जब मैं बात को समेटता हूं तो एक जुमला जो तीन दफा मैं अब तक, आज पांचवी मजलिस है, तीन दफा दोहरा चुका हूं, करबला के बाद यजीद की दो बड़ी ऐसी गलतियां या हिमाकतें या ब्लंडर या भूल, जिनमें से एक का ताल्लुक मेरे उस सवाल से है कि वाय करबला मोहल्ला में हर साल अरबईन के जाहिर ज्यादा होते हैं और आशूरे के कम, और दूसरे का ताल्लुक उस जुमले से है जो यजीद के बाद कई जालिम हुक्मरानों ने यह कह के दोहराया कि क्या तुम ये चाहते हो कि हम भी वही गलती करें जो यजीद ने की थी। जैसा कि मैं एक और मजलिस में अर्ज कर रहा था कि शियत की तारीख जालिमों का मुकाबला करना है, अपना खून देना है। आज मसलन कराची में अगर 11 घंटे में तीन मुख्तलिफ इलाकों में तीन मुख्तलिफ साहिबान ईमान शहीद कर दिए गए तो हो सकता कि पाकिस्तान के बाहर रहने वाले साहिबान ईमान के लिए मुसलसल आने वाली ये न्यूज या खबरें अब कोई अहमियत ना रखें। और जिस शहर की ये शहादतें हैं, उस शहर के रहने वाले हर शहादत पे एक बार डिप्रेस हो जाएं, लेकिन पूरी शियत की तारीख को अगर ओवरऑल तरीके से देखा जाए तो कोई नया मरहला नहीं। कभी एक इलाके में, कभी दूसरे इलाके में, कभी एक खित्ते में, कभी दूसरे खित्ते में शियत हमेशा से अपना खून देती आई, बल्कि जहां पर खून ना लिया जाए वहां पे बड़ी हसरत के साथ शियत कहती है कि फया लैतनी कुंतो माकुम फाफूजा माकुम, काश हमें भी यह मौका मिलता कि अपनी जान दे दे। शियत जो नाम ही अली के नाम पर ही जिंदा है आज तक,
जो अली फुस्तो मेरा बिल काबा कहता ही उस वक्त है कि जब शहादत बिल्कुल सामने आ रही। तो शहादत खून मजालिम का सामना करना, एक से एक बड़े जालिम को देखना, ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं। और बड़े से बड़े जालिम, एक से एक खूंखार और वैशी आए भी गए भी, आज उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं। अहले बैत का ये दीन एक नई शान के साथ हर इम्तिहान के हर मरहले से गुजर के हमारे सामने आता। तो अब बजाय इसके कि मैं किसी पुराने जालिम का तस्किरा करूं, आखिरी जमाने में जुल्म के एतबार से मसलन सद्दाम एक क्लासिकल एग्जाम्पल बना। और जो मेरा पहला सवाल अरबईन के हवाले से होता कि अरबईन के जायरीन और आशूरे के जायरीन, ये सद्दाम की वो पहली बड़ी गलती थी कि 1977 में जब उसने अरबईन की जियारत पे इराक में पाबंदी लगाई, वो अरबईन की जियारत जो आप मीडिया की वजह से आप अपनी आंखों से देखते कि हम लोग पाकिस्तान इंडिया यूरोप अमेरिका अपने जज्बे से पहुंच जाते हैं, लेकिन असल हकीकत देखिए तो हम क्या और हमारी जियारत क्या इराक के लोगों को देखा करें। कोई बसरा से आ रहा है, कोई तिकरीत के इलाके से आ रहा है, कोई इतने दूर के इलाके से कि 15-15 और 20-20 दिन वो पैदल चल रहा। और सद्दाम ने पाबंदी लगा दी, टैंक भी आ गए, तोपे भी आ गई, पूरी स्पेशल फौज इसके लिए बनाई गई कि करबला के रास्ते पे किसी को न जाने देंगे। क्या नतीजा निकला? आज सद्दाम को कोई जानता भी नहीं है, थोड़ा बहुत तस्किरा मेंबर पर ही हो जाता है। और करबला के जाहिरीन 21 मिलियन या 2 करोड़ 20 लाख के करीब पहुंच चुके। तो अब ये जालिमों का हशर, इससे पहले कि सद्दाम भी हमारे यहां नाकाबिले जिक्र हो जाए, उसका एक जुमला, एक गलती से वो बचा, मगर बहरहाल जियारत पे पाबंदी लगा के उसने उससे बड़ी गलती की। कौन सी गलती से बचा? ये जुमला तो बहुत मशहूर, ये दो बहुत मशहूर जुमले, एक इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह अलैह का 1963 का और एक सद्दाम मलून का जुमला 1980-81 का। ये आपके इल्म में होगा कि सद्दाम के इतने तवील अरसाए हुकूमत में उसके बहुत सारे करीबी साथी उसके मुखालिफ भी हुए, उसका साथ छोड़ के इराक से निकल के भागे और एक तवील अरसे तक ऐसे इराकियों का मरकज लंदन था। बाज़ औक़ात लोग ये सवाल करते हैं कि बहुत अंदर की या खुफिया बात, आप लोगों को कैसे पता चली कि आप मिंबर पे बयान कर रहे हैं? ये वही उसके साथी। और तो और आप हजरात के इल्म में है कि आखिर में उसके अपने दामाद उसके खिलाफ हुए, लेकिन मैं सद्दाम के हालात पे गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं करबला के बाद कूफे और शाम के जिहाद को मौजू बनाए हुए। तो सद्दाम ने जब शहीद बाकर सदर की शहादत का फैसला कर लिया, वही शहीद बाकर सदर जिन्होंने इश्तेहाद के हवाले से एक ऐसा उसूल बताया था जो मैंने 3 दिन पहले की मजलिस में इशारतन और सरसरी तौर पर जिक्र किया, अखबारियत नुसैरियत गालियत नासिबियत, ये सारी वो बीमारियां जो शियत के बदन में लाहक हो रही हैं, शहीद सदर का वो उसूल। 3 दिन पहले उस पर बहुत लंबी बात हो गई, अगरचे असल बात सामने नहीं आई थी। शहीद बाकर सदर जैसा जीनियस, और वो वक्त आ गया कि सद्दाम ने फैसला किया कि अब इन्हें शहीद कर देना है वरना मेरा इख्तदार बाकी नहीं रहेगा। लेकिन सद्दाम के, ये तो बहुत मशहूर वाकया है, जो बहुत ही करीबी एडवाइजर हैं, वो कहते हैं कि अपने इस फैसले को जरा सा बदल दे, नजरसानी कर, ये जो तूने फैसला किया कि बाकर सदर को शहीद किया जाएगा और उनके साथ उनकी बहन आमिना बिनतुल हुदा को भी, तो आमिना बिनतुल हुदा को शहीद ना कर, वो एक औरत है और औरत की शहादत एक मसला बन जाएगा, हमारे दोस्तों और फेवर करने वालों के लिए भी हमारा साथ देना मुश्किल होगा। यानी ये बैनुल अक्वामी पैमाने पे बात की जा रही,
उस वक्त तो सऊदी अरब भी, उस वक्त तो कुवैत भी, उस वक्त तो सारा गल्फ भी सद्दाम का साथी था। और इस इलाके की तो मैं बात ही नहीं करता, जिसको हम सिर्फ अब आधा देखते हैं कि जी सद्दाम का खात्मा किया। सद्दाम को लेके कौन आया था? लाने वाले भी यही और खात्मा करने वाले भी यही हुए। मीर सादा किस कदर है, मीर सादा किस कदर हुए बीमार जिसके सबब। अब क्या ये शेर ऐसा है कि इसमें एक ऐसा लफ्ज आ जाता है जो अब मिंबर पे तो नहीं पढ़ा जा सकता। उसी अत्तार के, बहरहाल उसी अत्तार से दवा लेते, वही मसाला पैदा करते हैं, यही लोग फिर मसाले का सलूशन लेके आते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू वेरी मच, आपने शियत का बड़ा साथ दे दिया। अफगानिस्तान में तालिबान को लेके कौन आया? ये मत देखिए कि खत्म कौन कर रहा, लेके भी तो वही लोग आए। इराक में सद्दाम को लेके कौन आया? खैर ये तो बात कहीं और चली जा रही है, मुझे कल रात की मजलिस से राबिता मिलाना है। सद्दाम से कहा गया कि एक औरत की शहादत, बहुत सारे तरीके हैं, इस औरत से क्यों घबरा रहा है? इसीलिए परेशान है ना कि बाकरे सदर को शहीद कर दिया तो कहीं ये कोई मूवमेंट ना चला, जेल में डाल, जलावतन कर दे। तो बेख्तियार सद्दाम की जबान पे ये जुमला आया एक्स टेम्पो, जो हमारे उलमा ने बाकायदा इस पर पूरे आर्टिकल लिखे हैं, सद्दाम के इस जुमले पे नहीं। बाज जाहिल जाहिल जालिमों की जबान पे ऐसे ऐसे जुमले आ जाते हैं कि लगता यह है कि ये अल्लाह ने उनकी जबान पे जारी करवाए। सद्दाम कहता है क्या तुम चाहते हो मैं वही गलती करूं जो मुझसे पहले यजीद कर चुका, कि भाई को शहीद किया और बहन को जिंदा छोड़ दिया, जिसके नतीजे में हमेशा हमेशा के लिए यजीदियत का खात्मा हो गया। एक बूढ़ी बहन कैद भी किया तो बेकार, जलावतन भी किया तो बेकार। कैद तो आप सुनते ही हैं, दो रातें पहले जलावतन के हवाले से भी बात हो चुकी, कहा मैं ये गलती नहीं करूंगा, यजीद का सबसे बड़ा चाहने वाला। और वो ये जुमला कह रहा है, मैंने इससे पहले भी एक बार अर्ज किया था कि तारीख इस्लाम में कुछ ऐसी पर्सनालिटीज गुजरी जो यजीद को याद करके ये जुमला कहते थे, फया लैतनी कुंतु माकुम, ए यजीद काश हम तुम्हारे साथ होते। तारीख में ऐसे लोग भी गुजरे हैं, खुली की दूसरी बीवी का तस्करा चार दिन पहले आया था कि मुख्तार की तलवार उसकी गर्दन की जानेब है और उसको ऑफर की जा रही है कि आज भी अगर तौबा कर ले हम तुझे माफ कर देंगे, कहा मर जाऊंगी गर्दन कट जाएगी मगर यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहती रहूंगी। मगर इसके अलावा एक नहीं कितने ऐसे वाकयात हैं, और सिर्फ एक जुमला में कह के अपने मौजू पे आता हूं, ये बड़े ताज्जुब की बात। अच्छा ये मेरा एक और उनवान है, इस पे भी मैंने चेहलुम या चेहलुम के बाद वाले अशरे पढ़े, फया लैतनी कुंतो माकुम, उनवान ये। लेकिन उसकी एक बात अभी आज बातों बातों में जिक्र निकल आया तो उसे मुकम्मल कर दूं। जालिमों में जब हमें ये जुमला नजर आया तो एक फर्क के साथ नजर आया, हम भी ये जुमला कहते हैं, हर शब जुमा कहते हैं, जियारत वारिसा में कहते हैं, भाई ये कह के बैठ जाते हैं घर जाके, काश हम तुम्हारे साथ होते, बस ये काश काशी रहता, खाली जबानी खाली शायरी खाली नोहे खाली सलाम खाली मजलिस। उसके बाद क्या करना है काश के बाद? भाई कहते काश के बाद कुछ नहीं करना, जिन्होंने यजीद का साथ दे के फया लैतनी कहा वो ये जुमला कह के घर में नहीं बैठे, उन्होंने कहा जब हमने ये ख्वाहिश जाहिर की है तो आज हमें देखना है कि हम यजीद के मिशन में किस तरह उसका हाथ बटा सकते हैं। मुतवक्किल अब्बासी ने जब ये कहा कि यजीद फया लैतनी कुंतो माक, करबला पे हमला किया, अगर हुसैन नहीं है, हुसैन का रोजा तो है, यजीद ने हुसैन के जिस्म पे हमला किया, मैं हुसैन के रोजे पे हमला करूंगा। फया लैतनी कहने के बाद सद्दाम यजीद को याद करके फया लैतनी कहता रहा, लेकिन ये कहे कि फिर वो अपने कामों में नहीं लगा, का इस जुमले का फॉलो अप क्या होगा?
जो साहिब ईमान को पहले सोचना चाहिए कि जब मैंने आका हुसैन को याद करके फया लैतनी कहा तो अब इसके बाद इस फया लैतनी का जो तकाजा है, जो इसके रिक्वायरमेंट है, जो इसका फॉलो अप है, वो मैंने क्या किया। सद्दाम से मुतवक्किल पूरा ये एक अशरे का उन्वान है और इस पे अशरा हो चुका है और कई दफा हुआ, मगर बात बहुत ज्यादा फैल रही है और कल रात की मजलिस से अभी रब्त मिलाना है तो बहुत ही मुख्तसर। सद्दाम फया लैतनी कह रहा है मगर साथ में यह भी कह रहा है कि वो गलती नहीं करूंगा जो यजीद कर चुका। भाई को शहीद करके बहन को जिंदा छोड़ा, जिसके नतीजे में आज तक ये यजीदियत काबिले लानत बनी। मुझसे ये गलती की तवक्को ना करना, अगर मैं बाकर सदर को शहीद करूंगा तो बहन को भी साथ में शहीद करूंगा। यजीद की ये इतनी बड़ी गलती है कि उसके अपने चाहने वालों ने भी इसको माना, क्योंकि यजीद के जहन में ये था कि औरत बहुत कमजोर और शायद ये ख्याल भी उसके दिमाग में हो जो बात साहिबान ईमान के दिमाग में आज तक चला रहा, औरत बहुत कमजोर है ये तो सही, साथ में शायद ये ख्याल भी हो। नऊज़ बिल्लाह इसको मैं किस तरह बताऊं कि यजीद जिन खवातीन की जाने मुतवज्जे है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा लेकिन शायद उसके जहन में ये ख्याल कि औरत वैसे ही नाकिसुल अक्ल है, औरत वैसे ही उसकी अकल गुद्दी में होती है, औरत वैसे ही उल्टी खोपड़ी की होती है, औरत वैसे ही आदम की पसली से टेढ़ी टेढ़ी बनी है, सीधा करने जाओगे तो टूट तो जाएगी, सीधी नहीं होगी। बहुत सारी चीजें इसमें हिंदू माशरे की वजह से हम इंडिया और पाकिस्तान में रहने वालों के पास इस तरह से आ गई हैं कि यूरोप में भी आ जाएं तो वही ख्यालात लेकर, नॉर्थ अमेरिका में भी आ जाएं तो वही ख्यालात लेकर, यहां भी ऐसे लोग मिलते हैं। इस्लाम ने एक लम्हे के लिए भी इस बात को तस्लीम नहीं किया, मगर यजीद शायद यही समझ रहा होगा, उसे क्या पता कि ज़ैनब कुबरा का सबसे पहला लकब हमारे यहां, ज़ैनब कुबरा के जो दीगर अलकाब पढ़े जाते हैं वो सब बाद के हैं। भाई शरीकतुल हुसैन करबला के हवाले से ये लकब सामने आया, उम्मुल मसाइब कूफे और शाम के हवाले से लकब सामने आया, सानिया ज़हरा तो अभी हमारे देखते ही देखते ये लकब मशहूर हुआ है वरना किताबों में नहीं। जो अहले बैत के घराने में ज़ैनब कुबरा को पहले दिन से याद किया जाता वो अकीला बनी हाशिम, पूरे बनी हाशिम में इन जैसी अकल रखने वाला कोई नहीं। अकल जो हमारे यहां सबसे पहला एतराज औरत की अकल पे होता, वो जो खुतबा फदक का शहजादी कौनैन का जो खुतबा फदक वाला जिसपे आजकल पूरा अशरा पढ़ा जाता है उसकी रिवायत में यही, वो किसने सुना खुतबा, रावी कौन है हमारे पास, खुद शहजादी ज़ैनब है जो 5 साल की उम्र में अपनी मां की उंगली थाम के दरबार खिलाफत में गई थी। अलबत्ता कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे समझने के लिए वो जगह देखना जरूरी है जहां पे वाकया पेश आया। शहजादी कौनैन का हुजरा और मस्जिद में कोई फासला ही नहीं, शहजादी अपने हुजरे का दरवाजा खोले गोया मस्जिद के अंदर दाखिल हो गई। 2 वजूहात से ये जुमला कह रहा हूं, एक ये है कि शहजादी अगर जमात नमाज अपने बाबा के साथ पढ़ना चाहें, औरत के लिए इस्लाम में नमाज जमात तो है, फातिमा ने कभी नहीं पढ़ी, अगर पढ़ना चाहें तो उनको मस्जिद में आने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि शहजादी के उजरे की दीवार और दरवाजे के फौरन बाद जन्नत का टुकड़ा है जहां तक नमाजियों की सफ आती, और औरत अगर नमाज जमात पढ़ रही है तो दीवार दरवाजा पर्दा रुकावट नहीं बनता। और खुतबा देने का मतलब भी ये नहीं है कि बहुत दूर कहीं चल के गए, एक बार हुजरे का दरवाजा खोला, सामने दरबार खिलाफत है जो मस्जिद में लगा है। तो अब ज़ैनब कुबरा पहली रावियां कि मैंने अपनी मां का खुतबा सुना, मगर खानदान बनी हाशिम जो शहजादी ज़ैनब से ये खुतबा सुना, हदीस के साथ जाबिर ने शहजादी से सुनी है और शहजादी का खुतबा खानदान के लोगों ने ज़ैनब से सुना है, मगर किस लफ्ज के साथ, कालत अकीलतना, हमारे खानदान की जो अकीला है उसने ये अल्फाज में अपनी मां का खुतबा पेश किया। तो ज़ैनब कुबरा तो अकल कुल है, ज़ैनब कुबरा तो अकल कामिल है, मगर ज़ैनब के हवाले से बात नहीं है, औरत
कुरान करीम ने उस आयत में जो आजकल इंटरनेट से लोग सर्च इंजन में डाल के ढूंढ के ये आयत निकालते हैं, कब जब शादी का मौका होता, शादी कार्ड पर उमूमन आजकल सूरह रोम की वो आयत छापी जाती है जिसकी तिलावत मैंने आज की मजलिस में की। वो गए गूगल के अंदर, कुरान का नेविगेटर ढूंढा, उसमें सर्च इंजन में डाल दिया मसलन मैरिज या निकाह, सबसे पहले यह आयत आई। इसका तर्जमा यह है कि अल्लाह औरत को पैदा ही किसी और मकसद के लिए किया, उसका पर्पज ऑफ क्रिएशन मर्दों से हटकर रहे, मर्द अलग काम के लिए पैदा किए गए, औरत अलग काम के लिए, और औरत के काम कुरान ने तीन बताया, तस्कुनु इलैहा तुम्हें सुकून देगी, जाला बैनकुम मवद्दा जब वो तुम्हारे घर में आएगी तो मोहब्बत लेके आएगी, और लफ्ज मोहब्बत भी नहीं मवद्दत है जो कुरान में या अहले बैत के हवाले से इस्तेमाल हुआ या औरत के हवाले से। और रहमत लेके आएगी, औरत का आना तुम्हारे घर में रहमत लाना है। हमारे यहाँ शादी ब्याह की मुख्तलिफ सेरेमनीज या तकरीबात में उलझ के हम असल पैगाम भुला देते, मुस्तहब है ना कि जब दुल्हन तुम्हारे घर आए तो उसके पांव को धो पानी से, कहीं मैंने देखा है कि दूध से धोया जाता, दूध कहां से आ गया अल्लाह आलम, रिवायत में पानी, और वो पानी लेके थोड़ा थोड़ा घर के जितने कॉर्नर से उसमें छिड़को, इसलिए कि ये रहमत लेके आ रही, हर हर कोने में रहमत इसके पैरों की वजह से, सर का पानी नहीं पैर। लोग कहते हैं औरत की अकल होती ही मसलन एड़ी में है, ये भी कहीं मशहूर होगा, का बरकत लेके आ रही। अब जो अमल बरकत लाने वाला है उसे हमने बरकत भगाने वाला अमल बना दिया, जो रहमत लाने वाला अमल है कि दुल्हन जब घर में आती है, कुरान कह रहा कि दुल्हन आ रही है, सुकून आ रहा है, मवद्दत आ रही है, रहमत आ रही है, सूरह रोम की आयत, सूरह रोम हर साल शब कदर में आपको पढ़वाया जाता है जबरदस्ती, वरना अलग से कौन सूरह रोम की तिलावत करे, तिलावत की जाएगी उन सूरों की जिससे रोकड़ा या पैसा मिल रहा हो, तिलावत की जाएगी उस सूरे की जिसके साथ ये पैगाम हो कि बड़ी बरकत हो जाती है माल में, तिलावत की जाएगी उस सूरे के जिसके साथ पैगाम हो कि बीमार को शफा मिल जाएगी, क्योंकि सूरह रोम के साथ ऐसी कोई रिवायत हमारे यहां मशहूर नहीं। देखिए सूरह कहफ पूरे कुरान में एक ही सूरा है जिसका फायदा यह बताया गया कि दज्जाल के इम्तिहान से मोमिन को बचाएगा, फिर भी कौन पढ़ता। तो पैसे की बात करो, सेहत की बात करो, बीमारी की बात करो, वीजे की बात करो, ग्रीन कार्ड की बात करो, एजुकेशन की बात करो, दज्जाल देख ले कितने लोग ऐसे हैं जो वाकान हर शबे जुमा न सही तो नौचंदी की शबे जुमा को सूरह कहफ पढ़ ले, जबकि उसका फायदा ऐसा है जो 114 सूरों में किसी और सूरे का नहीं, दज्जाल से प्रोटेक्शन। तो बात यह हो रही कि इतना हम दुनियावी चीजों में उलझ गए, कुरान के ये बेनिफिट हैं, इससे फायदा उठाइए, इमाम ने ही ये बताए हैं, मगर इन बेनिफिट को खाली दुनिया तक ना रखिए। तो अब सूरह रोम अगर शब कदर में जबरदस्ती ना पढ़वाया जाता तो शायद अलग से कोई पढ़ता ही नहीं उसकी आयत, दुल्हन नहीं आ रही, रहमत आ रही है, सुकून आ रहा है, मवद्दत आ रही है, और हमने ला इल्मी में जानबूझ के नहीं, रहमत लाने के अमल को रहमत भगाने का अमल बना दिया, जो थोड़ी बहुत रहमत थी उसको भी घर से बाहर निकाल, किस तरह दुल्हन आ रही हो सबके लिए ना महरम, पूरी ससुराल में या शौहर उसका महरम है या शौहर का बाप, बाकी पूरी ससुराल ना महरम, यह अमल तो ससुराल में आके होगा ना, मैके में तो नहीं होगा, सिर्फ दो उम्र सारे लौंडे लपाड़े एक्सलेंग लफ्ज आ गया, तो सारे खानदान के बच्चे जवान सब जमा, और मालूम हुआ सबके सामने दुल्हन के पैर खोले गए, औरत के हिजाब में चेहरे से ज्यादा अहम पैर छुपाना, ये तो बहुत बड़ी बात मैं कहेगी। अहले सुन्नत उलमा में इख्तलाफ है, आजकल भी ये डिस्कशन चल रहा, आधे उलमा कहते हैं अहले सुन्नत के पैर पर्दे का हिस्सा है, आधे कहते हैं हिस्सा नहीं, शिया उलमा की एब्सोल्यूट मेजोरिटी 99.99% कहते हैं कि चेहरा खोला जा सकता है, पैर नहीं खोला जा सकता, इसलिए मैंने कहा कि खास कॉन्टेक्स्ट में पैर ज्यादा अहम है, इस हवाले से कि इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, अब मालूम सबके सामने न सिर्फ ये कि पैर खोले जा रहे हैं,
बल्कि खास वो वीडियो रिकॉर्डर को बुलाया जा रहा है, ये मंजर जरूर शूट करना, इसको जरूर रिकॉर्ड करना, यह हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। किस लिए? ताकि कयामत के दिन फरिश्तों को नामा अमल देने की जरूरत ही ना पड़े, हर चीज रेड हैंडेड खुदा बंदा ये सीडी या डीवीडी देख ले। लेकिन देखिए, हराम गुनाह, गुनाह कबीरा, जिस अमल को इस्लाम ने मुस्तहब अमल करार देकर उसके जरिए हमारे घर में रहमत बुलाई, वो हदीस तो आपने कई बार सुनी है कि जिस घर में कुत्ता है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और जिस घर में कोई बेहिजाब औरत है, चाहे बाल खोल के बेहिजाब हो चाहे पैर खोल के बेहिजाब। अब आम जिंदगी में औरत के अगर पैर खुले हैं तो शायद ना महरूम की तवज्जो भी ना हो, लेकिन उस वक्त तो खास अमल ही पैरों का है, वो दूध लेकर आओ और ये दुल्हन को इस तरह बिठा और पैर खोले जाओ, रिकॉर्डिंग की जाए, सबकी निगाहें वहां पर। रहमत वाले अमल को शैतान किस तरह रहमत भगाने वाला अमल बनाता है, जो कि बहुत जल्द दो वीक के बाद हमारे यहां शादियों का सीजन शुरू होगा, जो शादियां हमें बताएंगे कि अय्याम अज़ा से हमने सीखा क्या है और पैगाम क्या लिया। मगर ये बात जरा सी उस तरफ चली गई जो आज के मजमे के लिए मुनासिब नहीं। ये बेचारे कुछ लोग जो वर्किंग डे में दिन भर काम करके आज यहां पे आके बैठ गए, क्या इन लोगों को इस तरह सुनाना चाहिए? ये तो वीकेंड का मजमा होता तो अलग बात थी। तो खुलासा यह है कि मैं ये आपको नहीं सुना रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं कि हमारी कौम की ट्रेजेडी क्या। लेकिन बात चली थी कि औरत रहमत लेके आती है, मवद्दत लेके आती है और सुकून लेके आती है, और औरत का यह रोल इतना अहम है, यह पर्सनल लेवल पर भी यही है और दीन और जिहाद के लेवल पर भी यही, यानी हर हर आदमी का इंफिरादी मसला भी यही है कि उसके घर की औरत उसके लिए रहमत और सुकून ला रही। अब मैं आपके और अपने घर की मिसाल क्या दूं? रहमतुल लिल आलमीन जो सारी कायनात के लिए रहमत है, कहता है खदीजा ताहिरा, उसका जिक्र जब मैं सुनता हूं मुझे इतना सुकून मिलता। पिछले साल मैंने सिर्फ एक रिवायत पढ़ी थी, यानी ये रिपीट कर रहा हूं आपसे इजाजत लेकर, सिर्फ एक जुमले की रिवायत। अजवाज रसूल कहती है कि जब अल्लाह के रसूल बहुत जलाल में होते थे, जो जरा नर्म आदमी हो, जो कुरान की आयत कल आपने सुनी और जो कल से हमारी वफात रसूल खुदा की मजलिस का उनवान बनेगी आने वाले कल, लेकिन आयत में कल पढ़ चुका हूं, लकुंता फज़न ग़लीज़ल क़ल्ब, अरे अबीब तुम्हारा दिल सख्त नहीं है, तुम बहुत नर्म हो। लेकिन नर्म आदमी को अगर कभी गुस्सा आ जाए तो उसका गुस्सा बहुत ज्यादा खतरनाक होता। अज़वाज़े रसूल कहती है हमने रसूल को कभी गुस्से में ना देखा, लेकिन जब कभी जलाल में आते थे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी रसूल के सामने ठहरने की। फिर हमें एक तरीका पता चल गया रसूल के गुस्से को ठंडा करने का, बस किसी तरह से नामे खदीजा रसूल के सामने ले दो। कितने ही जलाल के आलम में अल्लाह का रसूल, खदीजा का नाम सुना, इतने इतने पैगंबर ठंडे पड़े और जिक्र खदीजा शुरू हो गया। ऐसा सुकून मिला पैगंबर को, जो सारी कायनात के लिए रहमत है खदीजा उसके लिए रहमत, जो सारी कायनात का मुश्किल कुशा अली कब्रे रसूल पे खड़े हो, कब्रे फातिमा पे खड़े होके कहता, कब्रे बिन्त रसूल पर, अल आन इन का सारा ज़ाहरी, आज मुश्किल कुशा की कमर टूट गई, क्योंकि फातिमा मैं सारी कायनात का मुश्किल कुशा हूं, आप मेरी मुश्किल कुशा। हुसैन हुसैन बार बार कहते जिस घर में रबाब ना हो उस घर में मेरा दिल नहीं लगता। देखिए हमारे और आपके घरों की बात नहीं हो रही है, ये सारी कायनात के जख्मों का मरहम, जो सारी कायनात के लिए रहमत, जो सारी कायनात के मुश्किल कुशा, जो सारी कायनात को सुकून दिलवाते, उन अइम्मा और अंबिया के भी आप इरशादात सुनी। कभी खदीजा का यही जुमला कह के जिक्र ये सुकून मिलता, कभी रबाब का यही खुसूसियत बता के जिक्र सुकून मिलता। औरत पर्सनल लेवल पर, वो जो हमारे पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहि सलातु व सलाम ने एहतराम वालिदैन के लिए एक हदीस इरशाद फरमाई, लेकिन ज़िमनन उसमें ये पैगाम दे दिया ना, और बहुत तफसीली हदीस है, बहुत लंबा वाकया है बनू उताम का,
बात हो रही थी वालिदैन की, जो आज की 21वीं सदी में पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी समझाना पड़ रहा है, और नॉर्थ अमेरिका की तो बात ही कुछ और है। लेकिन उसमें ज़मीनन इमाम ने बताया कि औरत का रोल कितना अहम है घर के हवाले से। एक शख्स शादी हो गई, यह हदीस है और बहुत मशहूर हदीस है, शादी हो गई, बीवी उसकी बड़ी गुस्ताख नाफरमान जबान दराज थी, बहरहाल जैसे तैसे करके जिंदगी गुजार तो रहा और औलाद भी हो गई, एक भी नहीं दो दो बेटे। अब ये 1400 साल भी नहीं 4000 साल पुराना माहौल जहन में रख के पढ़िएगा। और वो ये 4000 साल पुराना माहौल क्यों, औरत के यहां जब बेटा हो जाए वो और ज्यादा चौड़ी और मखरूर हो जाती, औलाद ना हो तो जरा सी औरत दब जाती, और अगर लड़कियों की लाइन डोरी बन जाए तो वो और ज्यादा जरा कमजोर हो जाती, खुसूसन अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माहौल की। इंडिया में कितना ज्यादा अल्ट्रासाउंड के नतीजे में एबॉर्शन होता अगर पता चल गया लड़की है, बाप ने भी कहा मां ने भी कहा इसको मार दो, बेटा चाहिए बेटा। और यह हिमाकत साहिबान ईमान में भी आ गई है हिंदू माहौल और कल्चर के नतीजे में, मगर बेटे हुए और एक भी नहीं दो बेटे। अब तो उस औरत के एरोगेंस का या गुरूर का कोई ठिकाना ही नहीं। इस्लाम ने तो 1400 साल पहले यह जुमला कहा कि अल्लाह की निगाह में बेटे से ज्यादा बेटी अहम है, इसीलिए अल्लाह ने अपने हबीब को बेटा नहीं दिया बेटी दिया, बेस्ट बेस्ट को हमेशा बेस्ट देता। रब्बुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन को बेटी दे रहा है और बता रहा है कि ये बेहतरीन तोहफा है मेरे खजाने कुदरत के अंदर। ये इस्लाम, वो हिंदू मजहब। आज भी इंडिया और पाकिस्तान में कितनी औरतों को इस बात पे तलाक मिल जाती है कि बेटियां क्यों पैदा हो रही। और मैं जरा सी अगर साइंस शुरू कर दूं, एक्स और वाई क्रोमोसोम और वाई और वाई क्रोमोसोम, तो वो पता है हर जरा सी मालूमात रखने वाले को, बेटा हो या बेटी औरत का इसमें कोई रोल ही नहीं होता, ये मर्द का रोल होता है। लेकिन वो मेरा डिपार्टमेंट भी नहीं है और मेरे पास वक्त भी नहीं। तो खुलासा ये है कि औरत अब और बस जबान गुस्ताख बदतमीज, शादी आदमी करता है सुकून के लिए, चुनाचे उसने दूसरी शादी की और अब दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, कुछ ज्यादा ही फूक फूक के इसने पिया, बेहतरीन खानदान की इंतहाई रिलीजियस लड़की को ढूंढ के लाया, वो वाकान इसके लिए वैसी ही बनी जैसे कुरान ने सूरह रोम में कहा, सुकून मवद्दत मोहब्बत। अब इसे पता चला शादी शुदा जिंदगी कहते किसे, एक अजीब सुकून। और फिर इसके यहां भी बेटा हो गए, अब मां अगर नेक और दीनदार है तो औलाद पे वही असरात आएंगे, मां अगर गुस्ताख बदतमीज और खुखार है तो औलाद भी वैसी होगी। पहला सबक तो बेटा हो के बेटी अपनी मां की गोद से लेता तो ये बच्चा इंतहाई नेक और शरीफ। बाप जिन साहब का ये किस्सा है जो इमाम फरमा रहे हैं, वो कौम बनी इसराइल का भी सबसे ज्यादा मालदार आदमी था। बनी इसराइल मीन्स यहूद, वैसे ही साहिब दौलत होते उनमें भी जो सबसे ज्यादा दौलतमंद। अब बाप का इंतकाल हुआ, बाप की वसीयत खोली गई, बाप ने कहा ये मेरी सारी जायदाद और दौलत मेरे एक बेटे के लिए, वो नाम नहीं लिखा। अब एक बात जो मैं अक्सर मजालिस में कहने पे मजबूर हूं कि अंबिया के वाकयात जब पढ़े एक बात जहन में रखकर कि शरीयत के अहकामात बदलते रहते। अब अंबिया के यहां बाज ऐसे अहकामात थे जिसकी इजाजत थी इस्लाम में वो जायज नहीं। एक मिसाल कल आई थी राहिब की, एक मिसाल अभी मैं क्रिसमस पे जहां पढ़ रहा था मजलिस, जनाब मरियम का जुमला कुरान में मैंने खामोशी का रोजा रखा, आज तमाम हदीसें उठा के देख लीजिए, तमाम फतवे खामोशी का रोजा हमारी शरीयत में हराम, यानी पैगंबर की शरीयत, जिनकी शरीयत का बयान कल से शुरू होगा। लेकिन ये वाला मसला कि बाप को इख्तियार है जो आज भी यूरोप और अमेरिका में, मरने वाले को इख्तियार अपनी जायदाद जिसको चाहे देखे जाए, ये भी कह सकता है ना बेटा ना बेटी फुला कुत्ते या फुला बिल्ली को दो ये जायदाद उसकी होगी, इस्लाम ने अब इसको हराम कर दिया। 1/3 में इख्तियार है, 2/3 वारिसों को उसी तरह मिलेगा जो अल्लाह ने हिस्से बनाए। तो अब बनी इसराइल में इजाजत थी, कहा कि एक बेटे को मेरी सारी जायदाद,
अब जब वसीयतनामा खोला गया, कौन बेटा? तीन बेटे, और तीनों कह रहे हैं कि हमारा हक है बाप की जायदाद। अपना हक छोड़ना यह इस्लाम में अच्छी बात नहीं मानी गई है, अनलेस ये कि कोई बड़ा फितना खड़ा हो रहा हो। तो वो नेक और दीदार, मुत्तकी और परहेजगार, अच्छी मां का अच्छा बेटा, मेरा हक है, मैं लूंगा। दोनों भाई कहते हैं हमारा हक है। अब मसला गया काजी के पास, जो जज था। जज ने कहा मेरे पास इल्मे गैब तो है, मैं क्या बताऊं कि तुम्हारे बाप ने किसका नाम लिखा, मगर बिलियन की प्रॉपर्टी, करें क्या फिर इसका? आखिर उसने कहा कि अब यह फैसला कानून से तो नहीं हो सकता, इल्मे गैब, अब यह फैसला जो है बनू उताम के पास जाओ। अब अगर यहां पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो 60s और 70s का शुरू का जमाना देखे हुए, तो पाकिस्तान में 60s में भोलू पहलवान और भोलू बरादरान एक रेसल्स का पूरा खानदान था। वो कई पहलवान थे, भोलू, असलम, अकरम, गोगा। अच्छा, मैं अहले बैत के हालात पढ़ने वालों इधर चला गया। उनका एक तरीका कार था कि जिन्हें लड़ना है, भोलू पहलवान वर्ल्ड चैंपियन अपने आप को कहते थे, उनका कहना था मैं किसी से नहीं लड़ूंगा, पहले मेरे छोटे भाई से लड़ो, उसको हराया तो उससे बड़े से लड़ो, उसको हराया उससे बड़े से लड़ो, उसको हराया तब आके मुझसे लड़ो, वरना बीच में अगर किसी से मार खा गए तो मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं करूंगा। कराची में जब बिल्कुल शुरू में मैंने 1974 में दर्श देना शुरू किए, तो हमारी एक महफिल भोलू पहलवान के अखाड़े दारुसैयद के बिल्कुल सामने थी, साहिबान ईमान की एक महफिल। तो वहां पर जाके मैं जब तकरीर करता था, उस वक्त माशाल्लाह मैं बहुत ज्यादा था आज के मुकाबले में, लोग कहते थे भोलू पहलवान आपसे छोटे नजर आ रहे हैं, लेकिन खैर वो एक अलग बात है, अभी तो बात कंप्लीट। ये तीन भाई थे, अब बड़े ही अकलमंद, लेकिन तरीका इनका ये था, सबसे बड़ा भाई सबसे ज्यादा अकल रखता, दरमियान वाला दरमियान, छोटा वाला, इन तीन के दो के मुकाबले में जरा कम, और ये पहाड़ पे रहते थे। छोटे भाई का मकान पहाड़ के शुरू में था, ऊपर चढ़ो दो ढाई घंटे के बाद दरमियानी भाई का, और सबसे बड़ा भाई सबसे आखिर में पीक पर या समिट पे या चोटी पे रहता। वो काजी ने कहा इनके पास जाओ, ये फैसला करें, हमें बता दो। अब मिलियन की नहीं, बिलियन की बात। चुनाचे लोग चले, तीनों भाई चले, काजी का यानी गवर्नमेंट का भी एक नुमाइंदा गया कि आपस में झगड़ा ना हो। अब पहुंचे छोटे भाई के पास, उसको वैसे ही पाया जैसे एक अकलमंद आदमी को होना चाहिए, यानी बहुत ज़ईफ, सीजन एक्सपीरियंस, बाल भी सफेद, चेहरे पे झुर्रियां भी, तजुर्बा, खुद अपने साथ ऐसी अकलमंदी लेके आता है जो किसी किताब में पढ़ने से नहीं मिलती है। तो जैसा एक तजुर्बेकार आदमी को सीजन होना चाहिए वैसा ही था, लेकिन उसने मसला सुना, कहा कि मैं तो चकरा गया भाई, मैं क्या बताऊं, मेरे पास इल्मे गैब नहीं। सालों के बाद ऐसा केस आया, भाइयों का कानून ये कि पहले छोटे के पास जाओ, अगर वो नाकाम हो तो दरमियानी के पास आए, वो भी नाकाम हो तो बड़े के पास। छोटे ने कहा सालों के बाद ऐसा केस आया, मैं नहीं हल कर सकता, जाओ मेरे मुझसे बड़े भाई के पास। वहां पहुंचे, देखा एक अजीब आदमी बैठा, छोटे ने कहा था जो मुझसे बड़ा है, मगर ये मिडिल एज का आदमी लग रहा, कुछ बाल काले हैं, कुछ बाल सफेद हैं, थोड़ी झुर्रियां हैं, थोड़े एक एंगल से देखो तो बूढ़ा लगता है, दूसरे एंगल से देखो तो बहुत फिट लगता है। कहा था ये मुझसे बड़ा, ये तो नहीं लग रहा बड़ा। गई, बखैर अभी तो रोकड़े की बात है, डॉलर और पाउंड की बात है, हमारा फैसला करो। कहा ये इल्मे गैब तो मेरे पास भी नहीं, जाओ सबसे बड़ा। और पहली दफा मौका मिल रहा है मेरे बड़े भाई को, आज तक मेरे से आगे कोई नहीं गया, हर मसाला मैंने हल कर दिया। अव्वल तो आधे मसाले तो मेरा छोटा भाई हल करता था, वहां गए तो हैरान हो, बहुत ही हट्टा कट्टा सेहतमंद जवान आदमी वहां बैठा हुआ। और कहा इन दोनों ने कहा हमारा बड़ा भाई, तो अपना मसाला बिलियन और पाउंड का या डॉलर का मसाला भूल गए। एक मरतबा चकरा के कहा कि इन तीनों भाइयों में इनका नाम है बनू उताम, आप सबसे बड़े? कहा सबसे बड़े। कहा लेकिन लग तो रहा है कि आप सबसे छोटे, और आपका छोटा भाई सबसे बूढ़ा लग रहा है। कहा कि मसाला हमारा नहीं है, मसाला हमारी बीवियों का है। मेरे छोटे भाई की बीवी बहुत ही गुस्ताख, बदजबान, बदतमीज, हर वक्त गुस्सा करने वाली, हर वक्त उसको जलाने वाली, बेचारा जवानी में बूढ़ा हो गया।
और दरमियान वाला भाई जो है ना, वो बीवी उसकी जो है ना, वो बहरहाल वो मिडिल टाइप की है, एक दिन गुस्सा तो एक दिन मोहब्बत, एक दिन बस जबानी तो एक दिन अच्छे अच्छे खाने पका के खिलाना, तो इसलिए वो तुम्हें पीछे। मेरी बीवी बेहतरीन है, वह बिल्कुल मेरे इशारों के मुताबिक चलती है और इतना सुकून उसने मुझे पहुंचाया हुआ, ना अपने एक्शन से कभी मुझे तकलीफ दे, ना अपनी जबान से कभी तकलीफ दे, इसलिए मैं इस बुढ़ापे में तुम्हें जवान नजर आ रहा हूं। इमाम ने कहा देखो, हर हर घर में अलग अलग भी औरत का रोल इतना अहम है कि जवानी में बूढ़ा हो गया ये शख्स अपनी बीवी की बदजबानी की वजह, और बुढ़ापे के अंदर वो जवान नजर आ रहा है अपनी बीवी के घर के माहौल को सूरह रोम की आयत पिक के मुताबिक बनाने के लिए। सूरह रोम ने कहा औरत के तीन काम है, सुकून, रहमत, मोहब्बत, तीनों इस घर के अंदर मौजूद। खैर वाकया तो मैंने इसीलिए पढ़ा, बाद में लोग मेरी जान जीख कर देते हैं कि मौलाना लेकिन वो क्या जायदाद का क्या हुआ, मैंने कहा कुछ भी हुआ आपको नहीं मिलने वाली। तो खैर ये लोग जरूर पूछते हैं क्या आखिर जायदाद का क्या हुआ। तो बड़े भाई ने कहा कि देखो ये अब कानून से तो फैसला नहीं हो सकता और इनमें गैब भी नहीं, एक अमल मुझे आता, एक अमल, कब्रिस्तान जाओ अपने बाप की कब्र खोदो और उसकी एक उसकी पसली की एक हड्डी लेके आओ और मैं वो अमल पढ़ के बताऊंगा कि किसके लिए वसीयत की गई। अब पसली की हड्डियां सबसे आखिर में गलती सड़ती हैं, इसीलिए वो एक फिकही मसला है जिसको लोगों ने सही नहीं समझा, तो कराची की भी बहुत सारी मस्जिदों में झगड़े होते हैं गुस्ले मैयत के वक्त। करबला का कफन पहले आता था, उसमें सब कुछ लिखा होता, अब आजकल भी करबला में कफन पे नहीं लिखा जाता, अलग से कपड़े पे लिख के वो कफन के साथ अलग से रखा जाता। कराची में कितने ही गुस्ल खाने मैयत कैसे कि आप वहां कफन लेके जाए वो कबूल नहीं करते, ये कफन हम नहीं देंगे मरने वाले को, इस पे जोशन कबीर लिखी है, इस पे सूरह यासीन लिखी है, इस पे मासूमीन के नाम लिखे हैं, इस पे दुआए तवस्सुल। कि मसला ये मशहूर हो गया कि जिस कफन पे काबिल एहतराम नाम लिखे हो वो मैयत को नहीं दे सकते, मसला बैन बैन, ना ये सही नजरिया ना वो सही नजरिया, मसला यह है कि काबिल एहतराम नाम कब्र में जाके भी काबिल एहतराम। तो मैयत के बदन पर ऐसी जगह कोई आयत, कोई रिवायत, कोई नाम, कोई दुआ नहीं होना चाहिए जिससे नजासत पहुंचे। तो अब मैयत का पेट सबसे पहले कब्र में, बहरहाल डिकम्पोजिंग का एक तरीका है कि मैयत का पेट सबसे पहले फटता है, पेट के अंदर की गलाजतें बाहर आती हैं, वहां पे जो कफन का टुकड़ा है उस पर ना इमाम का नाम होना चाहिए ना अल्लाह का नाम, और सीने की हड्डियां सबसे आखिर में खत्म होती हैं या सर की हड्डी। तो जो कुछ लिखना है उस हिस्से पे लिखो जो सीने या सर पर हो, तो जायज है बल्कि सवाब है जोशन कबीर, सवाब है यासीन, सवाब है दुआए तवस्सुल, सवाब है आठवें इमाम की वो मशहूर हदीस जो सिलसिला तो ज़हब कहलाती है कि पागल आदमी पे भी वो हदीस पढ़ दो तो वो ठीक हो जाएगा, इतने उसके फायदे, मगर शर्त यह है कि वो हड्डियों के ऊपर आए ताकि वहां तक नजासत पहुंचने के इम्कान सबसे कम रहे। तो लोग आधा आधा मसला पढ़ते, एक साहब किताब लेके आते हैं, देखिए तोहफतुल अवाम में लिखा कि जोशन कबीर और हदीस किस्सा और दुआए तवस्सुल कफन में होनी चाहिए। दूसरे साहब फतवा लेके आते हैं महाराजे का कि यह हराम, लेकिन न वो पूरी बात है न ये पूरी बात है। तो आप कहा सीने की हड्डी लेके आओ, बाप को मरे हुए कितना अरसा हो गया होगा लेकिन उसकी पसली की हड्डी तो सलामत होगी। अब तीनों अपने अपने घर आ गए, काजी का आदमी साथ में, उसने जाके काजी को बताया, जज को, कि यह फैसला हुआ, और जज भी कब्रिस्तान पहुंचा। अब वहां पहुंचा तो अजीब मंजर, पहले भाई के हाथ में बेलचा या कुदाल, दूसरे हाथ भाई के हाथ में बेलचा या कुदाल, तीसरे भाई के हाथ में तलवार। तलवार से जमीन नहीं खोदी जाती, सिर्फ असगर की नन्नी सी कब्र करबला के मैदान में जुल्फिकार से तैयार की गई, लेकिन वैसे तलवार जमीन खोदने वाला टूल नहीं है। अब दो भाई तो वो टूल लेकर आए जिससे जमीन खोदी जाती, तीसरा तलवार लेके आए। पहला भाई आगे बढ़ा कि भाई वो जल्दी से ये हड्डी मिले, शायद मेरा ही चांस बन जाए। दरमियानी भाई आगे बढ़ा, तीसरा तलवार लेके बाप की कब्र पे बैठ गए, मैं गर्दन उतार दूंगा उसको जो मेरे बाप की कब्र की तौहीन करता, नहीं चाहिए डॉलर और पाउंड, बाप की मैयत की बेहुरमती की इजाजत नहीं। बस काजी इन लोगों को लेके बड़े भाई के पास गया, कहा कि तो झगड़ा हो गए, उसने कहा सारी जायदाद का हकदार ये छोटा भाई जो अपने बाप का इतना एहतराम कर रहा,
जो अपने भाई के अपने बाप की मैयत की इतनी इज्जत कर रहा, यही असली वारिस है, इसी को सारी जायदाद दी जाए। तो अब ये तो वाकई का वो हिस्सा है जो एहतराम-ए वालिदैन की तरह था मेरी आज की मजलिस में नहीं, लेकिन मुझे पता था कि लोग सवाल करेंगे मौलाना वो बीवी बीवी की बात छोड़िए, वो डॉलर और पाउंड किसके पास गए, तो वो तो खैर एहतराम है वालिदैन, लेकिन असल पैगाम ये, औरत सुकून लाती है, औरत रहमत लाती है, औरत मवद्दत लाती है, लेकिन ये सारी चीजें औरत इसलिए लाती कि अक्ल के एतबार से औरत मर्दों से भी ज्यादा अफजल मानी गई कुछ जगहों पर, कुछ पे मर्द कुछ पे औरत। अब देखिए दुनिया का सबसे बड़ा जो मसला या सबसे बड़े मसलों में से एक मसला, ह्यूस्टन में यही खासियत है ना कि लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं और बहुत मुअद्दब बहुत बहादुर बहुत बातमीज मजमा, और कोई जगह मजलिस पढ़ रहा होता और मैं कहता कि दुनिया का सबसे बड़ा मसला, मजमा कह देता औरत या बीवी, बिल्कुल बिल्कुल आप खामोश बैठे रहे, बाकी तो लोग लुकमे देते। तो खैर खुलासा यह है कि सबसे बड़ा मसला है शैतान को पहचानना। दज्जाल भी एक शैतान और सुफियानी भी एक शैतान, लेकिन जो असल शैतान है ना उसको पहचानना सबसे मुश्किल मसला, क्योंकि आपने तस्वीरों में फिल्मों में जो शैतान की कैफियत देखी होगी, दो बड़े बड़े सींग निकले हैं, इतने बड़े बड़े कान हैं और दांत उसके इस तरह लटक रहे हैं जैसे खून पीने का आदि है, वो सब गलत। शैतान उसकी शक्ल, मैं आईने की बात नहीं कर रहा, तो शैतान जो है ना उसकी शक्ल जो है वो जिस मजमे में जाता वैसी होती है। शराबियों में जाएगा तो शराबी नजर आएगा, और बेहिजाब औरतों में जाएगा तो बेहिजाब औरत बन के बैठेगा, और नमाजियों में आएगा तो बड़ा मुकद्दस नमाजी, माथे पे सिजदे का निशान, हाथ में हजार दाने की तस्बीह, सफेद दाढ़ी। शैतान की खासियत यही है कि वो रंग बदलता है मजमे के हिसाब से, चुनाच इसको पहचानना बहुत मुश्किल काम है। और सबसे खास बात यह है कि जब वो हमसे अल्लाह की नाफरमानी करवाना चाहता तो हमारा दोस्त बन के आता, हमारा हमदर्द बन के आता, ऐसी प्यारो मोहब्बत की बातें करता है जैसे आपने देखा होगा, ये तो खैर नॉर्थ अमेरिका में नहीं देखा होगा, पाकिस्तान इंडिया में औरत को बेहिजाब कहीं जाना है, औरत को शादी में ब्यूटी पार्लर से तैयार होके बगैर बुरका पहने जाना, कैसी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करके औरत शौहर को उल्लू बनाती, उल्लू खिलाती बाद में है, पहले तो उल्लू बना देती है। अच्छा खैर कुछ चीजें मैं गलत जगह पड़ जाता हूं, तो खुलासा ये कि शैतान को पहचानना, देखिए अंबिया पहचान ले, औलिया पहचान ले, लेकिन आम आदमी की बात, दुनिया की नोन हिस्ट्री में नोन सबसे पहले जिसने और जिसने शैतान को पहचाना वो औरत, और ऐसा पहचाना, ऐसा पहचाना कि दुनिया की तारीख में पहला कंकर जो शैतान ने खाया किसी मर्द के हाथ से नहीं खाया, एक औरत के हाथ से खाया। कब? जब तारीख इंसानियत ह्यूमन हिस्ट्री का वो अजीम वाकया पेश आने जा रहा था जिसे जब इस्माइल का नाम दिया गया, और कुरान अल्लाह ने सिर्फ एक शर्त पर इस्माइल को जबा से माफ किया, बेजिब नजीम, अब इसके बदले इससे बड़ी कुर्बानी मेरी बारगाह में आएगी, वरना जिब अजीम करबला से पहले शहादत का सबसे बड़ा वाकया इस्माइल की शहादत होने जा रहा था। शैतान कैसे बर्दाश्त करे कि इतना बड़ा कारनामा कोई नबी अंजाम दे, रोकना है इस्माइल के जबा को, कैसे रोके? तीन कैरेक्टर है इस वाकये में, इब्राहिम है, या तो उनको ऐसा बहकाए कि वो जबा ना करे, या इस्माइल है उन्हें ऐसा बहकाए कि वो जबा होने को तैयार ना हो, बाप का हाथ छुड़ा के चले जाए, और या फिर हाजिरा मां है, इसको इस तरह से बहकाए कि ये अपने बेटे को रोक ले। शैतान ने एक जंजीर देखी कि ये वाकया रोकना है तो तीन कैरेक्टर, उसने अपने हिसाब से वही सोचा जो बाद में यजीद ने सोचा कि इसमें सबसे कमजोर कड़ी हाजिरा, औरत है मां, और ये दो चीजें ऐसी हैं जहां पे कंप्रोमाइज हो जाता, औरत बहुत कमजोर है मैं उसको जरा सा बेवकूफ बना दूंगा। क्या आज ये नहीं हो रहा? आज देखिए मगरबी दुनिया खड़ी होती, हर काम उनका ऐसा लगता है जैसे वो हमारी औरतों के हमसे ज्यादा हमदर्द हैं, हमारी बहन हमसे ज्यादा हमारी बहन के हमदर्द, हमारी बेटी हमसे ज्यादा हमारी बेटी के हमदर्द। हिजाब नहीं होना चाहिए, ये औरत के लिए बुरी चीज, और मीरास में उतना हिस्सा मिलना चाहिए जितना बाप को मिल रहा,
और यह है कि ये एंटरटेनमेंट और पार्टियां और डांस और म्यूजिक क्यों आखिर औरत को इससे दूर किया जा रहा है, सब में बराबर से शरीक हो। और ये गवाही के अंदर औरत दो औरत की गवाही एक मर्द के बराबर क्यों, और तलाक के वक्त मर्द की बात चलती औरत की नहीं चलती, बड़ा वो हमदर्द बन के आता है हमारी औरतों का, और औरत भी उसके बहकावे में आ जाती। आज हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी औरतें ये बातों का असर कबूल कर चुकी हैं। हिजाब उन्होंने तर्क कर दिया, डांस उन्होंने शुरू कर दिया, म्यूजिक उन्होंने शुरू कर दिया, मिक्स गैदरिंग में जाना उन्होंने शुरू कर दी। जब किसी चीज को इस तरह टारगेट बनाया जाए तो सोचना पड़ता है इसके पीछे शैतान की नियत क्या। अब जैसे कराची में 4 महीने पहले जो लश्कर झंगवी सिपाही साहबा का एक और ज्यादा बहुत एक्सट्रीम वर्जन, उसके 4-5 बड़े अहम आदमी पकड़े गए थे, और ऐसे कि लश्कर झंगवी या सिपाही साहबा में एक हलचल मच गई थी इनको रिहा कराना, और इस तरह से पाकिस्तान की पुलिस ने हाथ डाला था तो आपको मालूम है, तो बाकायदा पूरा तफसील उसकी आ गई थी मीडिया में, और सही तफसील थी। कराची में एक बहुत मशहूर स्कूल है मारीपुर रोड पर, गुलामान अब्बास स्कूल, कुछ ऐसे लोग हैं इस मजमे में जो वहां पढ़े भी। स्कूल की बस बच्चों को लेके जा रही, उस बस पे अटैक करना था सुसाइड बॉम्बर को, सारे बच्चों को इसलिए शहीद करना था कि इतना बड़ा वाकया होगा, स्कूल की बस, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे, सारा एडमिनिस्ट्रेशन दौड़ के इधर आएगा, पुलिस हो के रेंजर्स हो के आईजी हो के कमिश्नर, और फिर अटैक करेंगे कराची जेल पे सेम टाइम, और अपने वो 4 आदमी छुड़ा के ले जाएंगे। बजाहिर हमला हो रहा है बच्चों की बस पर, जो पाकिस्तान के हालात में कोई ताज्जुब की बात भी नहीं। ये जो इसमें जालिम आए हुए हैं, ना बड़े का ख्याल करें, ना बच्चे का, ना मर्द का ख्याल करें, ना औरत का, लेकिन मकसद था इधर उलझा के अटैक वहां करेंगे हमारी औरतों को, बेहिजाबी और म्यूजिक और मिक्स गैदरिंग और डांस और शादी ब्याह की हराम रसूमात में उलझा दिया गया, क्योंकि अटैक करना है दीन और ईमान पर। करबला को भी औरत ने बचाया, आज भी इस्लाम औरत की वजह से बचेगा, उसको वहां से हटा देना। मगर सबसे पहले दुनिया की तारीख में मुंह की खाई शैतान ने औरत के हाथों, और फिर यजीद ने शिकस्त खाई औरत के हाथों, वो हाजिरा थी ये ज़ैनब, सबसे कमजोर कड़ी समझा औरत को। एक तो वैसे ही औरत, आसानी के साथ मैं इसे बहला फुसला लूंगा, और फिर मां भी है, हाजिरा के पास जाके कहता है ना कि अपने शौहर को रोको, तुम्हारा एक बेटा जिस बेटे से इतनी मोहब्बत है, जमजम का कुआं हाजिरा की मोहब्बत की वजह से जारी हुआ, और सफा और मरवा की सही एक काले रंग की अफ्रीका की कनीज हाजिरा के पैरों से बनी। कि अंबिया भी अगर हज करते हैं तो हाजिरा के नक्शे कदम पे चलना, आएम्मा भी हज करते हैं तो उसी रास्ते में जाना, औलिया और औसिया भी जाते हैं तो हाजिरा के नक्शे कदम पे चलते हैं, मर्जे भी जाएगा तो उसी तरह सही करेगा। मगर बेटे से इतनी मोहब्बत करने वाली, जिसने अपनी मोहब्बत के जोर पे जमजम का कुआ जारी करवा दिया, आज उसी बेटे की मौत की खबर पा रही, तो एक बार कहती कि मेरा शौहर ऐसा कर नहीं सकता, ये उसका भी बेटा, अकलौता बेटा है, नस्ल चलेगी। ये ईसाइयत और मुसलमानों में जो झगड़ा चल रहा वो यही ना, हम कहते हैं इस्माइल सभी थे, वो कहते हैं इसहाक, और इसी जुमले से हमारे यहां फैसला होता। ये रिवायत में यह है कि जब इस्माइल को जबा कर रहे थे, इस्माइल अकलौते बेटे थे, तो अकलौते का मतलब यह कि इसहाक पैदा ही नहीं हुए थे, उनकी शहादत का वाकया तो घर के नाम, तो खैर अकलौता बेटा है, हाजिरा कह रही। कहा कि इब्राहिम ने ख्वाब देखा और अपने ख्वाब पे इतना भरोसा कर दिया है कि जवान बेटे के गले में छुरी चला रहे, हमें तो ऐसा लग रहा है कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, ख्वाब पर बेटे को जबा करना। आपको पता है ना, बस ये सुनना था कि हाजिरा ने कंकर उठा के शैतान को मारे, आज तक हर हाजी झूठे शैतान को पहले कंकर मारता, ये हाजिरा की सुन्नत। शैतान ने मगर घबरा के भागते हुए कहा, ये तो बता तूने पहचाना कैसे, कहा तूने नबी के दिमाग पर एतराज किया, जो नबी के दिमाग पर एतराज करे उसके शैतान होने में कोई शक नहीं।
लेकिन अहले बैत के दुश्मन पे लानत। लेकिन हाजरा ने पहली औरत मर्द नहीं है, औरत है इस कायनात में जिसने शैतान को बखूबी पहचाना भी और शैतान को भगाया भी। औरत इतना बड़ा रोल है, और यही गलती शैतान की भी थी, वो समझा सबसे कमजोर औरत इसको बहका सकूंगा, और यही गलती शैतान के रिप्रेजेंटेटिव यजीद की थी, जो मैंने कल एक जुमला कहा कि अब्बास वो अकबर से डर रहा है, उसके ख्याल में सकीना और रबाब और फरमा और फिजा घर में बैठने वाली औरतें, इनसे क्या डरना। जो जिहाद अब्बास व अकबर ना कर सके वो जिहाद जैनब ने और वो जिहाद सकीना ने किया, शाम को हिला के रख दिया जिसको कमजोर समझ रहा। काश हमारी औरत आज के शैतान यानी मीडिया के चक्कर से जरा सा बाहर निकलकर सीरत जैनब कुबरा पे निगाह डाले तो उसे पता चलेगा ये जो चादर इसकी निगाह में इतनी हकीर है, ज़ैनब कुबरा की निगाह में वो चादर कितनी कीमती थी, और जो ऐश व आराम इसके ख्याल में इतने अहम है उनको ठुकरा के इस कैद खाने में बैठना ज़ैनब की निगाह में ज्यादा अहम था। अय्याम अज़ा इख्तिताम की जानिब जा रहे हैं, ज़ैनब कुबरा की सवारी भी करबला से अब मदीने की जानिब चल रही, यही रिवायत है ना कि तीन दिन करबला में मातम किया उधर जा रहे। अब वक्त कि एक मरतबा रुक के हम करबला की इन खवातीन के जिहाद पे गौर करें। करबला पहुंच करबला में तीन दिन मातम करने के बाद ये मदीने पहुंचे। इन तारीखों में मसाए पढ़ने में मैं ख्याल करने की कोशिश करता हूं कि करबला के बल्कि कूफे और शाम के बाद के मसाए पढ़े जाए जहां तक मुमकिन। अब ये मदीने पहुंचे, हर एक अपने अपने वारिस की सफेदा बिछा के बैठ गया और मातम शुरू कर दिया, मगर एक बीबी थी जिसे खाली मातम नहीं करना, जिसे अपने वादे को भी पूरा करना। कौन सा वादा? जो 11 मुहर्रम को उसने हुसैन के लाशे पे किया था। 11 मुहर्रम की तारीख आई और ये काफिला चला तो उमर साद ने कहा कि सारी सवारियां उधर से ले जाओ जहां इनके वारिसों के लाशे पड़े। ऊंटों का रुख फेरा गया, बस वो लाशा देखा, फरवा ने अपने आप को कासिम के बदन के टुकड़ों पे गिराया, लैला ने अपने आप को अकबर के लाशे पे गिराया, कुलसूम मेरा भैया मेरा बास कहती भी फरात की जानिब चली, और रबाब हुसैन के लाशे के करीब आई। पहले तो लाशे का एक तवाफ किया और उसके बाद कहा, ऐ मेरे वाली, ऐ मेरे वारिस, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, आज मैंने जलते सूरज के नीचे तेरा लाशा देखा है, आज मैंने तपती हुई रेत पर तेरा लाशा देखा है। तेरी कनीज रबाब इस वक्त तेरी कोई खिदमत नहीं कर सकती, मेरे सर पे चादर भी होती तो मैं उतार के तेरे लाशे पे डाल देती, लेकिन हाय रबाब चादर भी छिन गई। हाँ एक वादा तेरी कनीज करती है, आज के बाद मरते मर जाऊंगी, कभी साय और छत के नीचे ना जाऊंगी, कभी जमीन पे फर्श बिछा के ना बैठूंगी। एक साल अहले बैत जिंदाने शाम में रहे, वहां तो ये वादा वैसे ही पूरा हो गया। शाम के कैद खाने में कोई छत नहीं थी, शाम के कैद खाने में कोई फर्श ना था, लेकिन जब मदीने वापस आए बीबियां अपने अपने घरों में गई, रबाब की जिंदगी मकान के सहन में गुजर रही है। एक दिन मदीने में बारिश हुई और इंतहाई तेज बारिश, रबाब बारिश में बैठी भीग रही है। ज़ैनब को पता मेरा भैया रबाब से कितनी मोहब्बत करता था, आवाज दी, रबाब आज तो सहन से कमरे में आ जाओ। रबाब ने रोते रोते मातम करते करते एक बार चेहरा उठाया, कहा कि शहजादी आज क्या फर्क है? कहा देखती नहीं कितनी इतनी तेज बारिश हो रही है। करबला के वाकये को कई साल गुजर गए मगर रबाब का जुमला बता रहा कि अभी तक करबला की असर आशूर रबाब की आंखों के सामने है, एक ही मंजर। कहा शहजादी बारिश बहुत तेज है, बहुत तेज है, मगर पानी के कतरों की बारिश है ना। मैंने करबला में अपने वाली और वारिस पर तीरों की बारिश देखी है, तीरों की बारिश। अरे मेरा आका तीरों से छलनी हो जाए और मैं पानी की बारिश से घबरा के अपना वादा तोड़ दूं। ज़ैनब समझ गई
अब रबाब को सिवाय सज्जाद के कोई नहीं ला सकता। एक बार आई सज्जाद बेटा अपनी माँ रबाब को लेके आ, वो सहन में भीग रही है। अल्लाह ये सज्जाद का कितना बड़ा इम्तिहान है। तीरों तलवार का मुकाबला करना आसान है, ये इम्तिहान कौन सा। आए आए कहा कि अम्मा रबाब उठिए, आइए मेरे साथ कमरे में तशरीफ ले जाइए। रबाब रोते रोते रुकी, कहा सज्जाद बेटा सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे, आज बेटा माँ से बात कर रहा है या इमाम की हैसियत से मुझे हुक्म दे रहा है। अल्लाह कितना बड़ा इम्तिहान है, सज्जाद अपनी माँ से कैसे कहे मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ। लेकिन मालूम है अगर ये जुमला ना कहा रबाब मर जाएगी, सहन से नहीं उठेगी। कहा अम्मा आज बेटा माँ से बात नहीं कर रहा, आज इमामत आपको हुक्म देती है। बस मातम के दरमियान हुक्म शरीयत आ गया, शरीयत आ गया। अब मातम छोड़ दिया रबाब ने, एक बार खड़ी होने लगी। कहा सज्जाद अब मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर उठते उठते आसमान को देखा, खुदा बंदा करबला में एक इमाम से वादा किया था मरते दम तक छत के नीचे न जाऊंगी, मदीने में दूसरा इमाम हुक्म दे रहा है। खुदा बंदा इमाम का हुक्म नहीं टाल सकती, मेरे वादे को बचा ले, मेरे वादे को बचा ले। एक बार ज़ैनब ने देखा उठते उठते रबाब लड़खड़ा के गिरने लगी, घबरा के कहा सज्जाद मेरी रबाब को क्या हुआ है। हाय मेरा आका, दोनों हाथों से माँ को थामा, पलट के फूफी को देखा, फूफी अम्मा इन्ना लिल्ला व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे मेरी माँ मुझे छोड़ के बाबा के पास पहुंच गई। अजरकुम अल्लाह अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहि मजमईन। परवरदिगार तुझे अहले बैत अतहार के इन्हीं मसाइब का वास्ता, जो लोग आज की मजलिस में हैं इन मोमिनीन और मोमिनात को, इनके घरों को, इनके घर वालों को, इनकी रोजी के जराए को, इनकी औलादों को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। खुदा वंदा इस गिरिए का वास्ता जो मोमिनीन और मोमिनात कर रहे हैं, सफे अजा पर खड़े होने से पहले इनकी सारी हजतें पूरी फरमा, हमारे तमाम मरहूमिन की मगफिरत फरमा। खुदा वंदा हमारे तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा, खुसूसन एक मोमिना फातिमा बानो रिजवी जिनकी आज ब्रेन सर्जरी हुई है, खुदावंदा इनको शिफाए कामिला अता फरमा। दुनिया भर के मजलूम साहिबान ईमान, मैंने कहा ना कराची में 11 घंटे में 3 शहादतें 3 मुख्तलिफ इलाकों में, खुदा बंदा दुनिया भर के मजलूम साहिबान ईमान खुसूसन सीरिया बहरैन अफगानिस्तान इराक सऊदी अरब और फिर खास तौर पे पाकिस्तान और शहर कराची, इन साहिबान ईमान को और इनकी औलादों को अपने हिफ्ज ईमान में फरमा, इन पर जुल्म करने वालों को नेस्तो नाबूद फरमा, और खुदा बंदा जुल्म के खात्मे के लिए और करबला के इंतकाम के लिए इमाम जमाना के जहूर में ताजील फरमा। मातम हुसैन।